नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो सेल्फ ट्राई करो, देखो होता है। ये कहता है थ्री ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, कहता है हम लोगों के पास थ्री ऑब्जेक्ट है, थ्री ऑब्जेक्ट ए, सॉलिड स्पीयर बी, थीन सर्कुलर डिस्क एंड रिंग। हम लोग पास तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ईच हैव द सेम मास एम एंड रेडियस आर, हर एक का मास एम है और हर एक की रेडियस आर है। दे स्पिन विथ सेम एंगुलर अबाउट ऑन एक्सिस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर टू ब्रिंग रेस्ट, अगर ये तीनों अपनी खुद की एक्सिस पर ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है, एक डिस्क है और ये डिस्क खुद की एक्सिस पर ओमेगा से घूम रहा है और एक सॉलिड स्पीयर है, थीन सर्कुलर डिस्क है, रिंग है, तो हम लोगों को निकालना है कितना वर्क डन होगा उन तीनों को रोकने के लिए। अब देखो, अब हमें इन तीनों को रोकना है यार, इसको स्टॉप करना है, मतलब फाइनली एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगा और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगी, क्लियर है। तो अगर हमें निकालना है तो वर्क डन क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो समेशन ऑफ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड रेडियस, दे स्पिन विथ सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा। ध्यान देना कि इन तीनों का ओमेगा सेम है, यहां से इन तीनों का एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम, खुद के एक्सिस पर ओमेगा सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी उसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले सॉलिड स्पीयर का, तो सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का 2mr² upon 5, मतलब 0.4 mr², क्लियर है। बी क्या था, ठीक है, बी था हम लोगों के पास क्या था भाई, डिस्क था। डिस्क का क्या होता है, mr² by 2, इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 mr², ठीक है। सी रिंग था तो उसका होता है mr². अब आप इन तीनों में कंपेयर कर सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्जिया सबसे अधिक किसका है, तो मोमेंट ऑफ इनर्जिया जो रिंग है उसका अधिक है यार। मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ डिस्क, जो सबसे कम है मोमेंट ऑफ इनर्जिया है वो स्पीयर का। इसका मतलब यह कि वर्क डन सी की सबसे अधिक होगी, वर्क डन बी और वर्क डन ए। आया ना बात समझ में, आ गया बात समझ में पूरी तरह से, अच्छी तरह से। वर्क डन सी इज ग्रेटर देन वर्क डन बी इज ग्रेटर देन वर्क डन सी इज ग्रेटर देन वर्क, मतलब ये है कि ए आप